New Hope TV, your encounter with God. और आज I want to talk to you about something that's very very powerful. और चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसी बात पे जो बहुत ही शक्तिशाली है. That's connected to finances. और जो कि जुड़ा हुआ है पैसों के साथ. This is the hand gate. और देखिए ये हाथों के फाटक हैं. Today I want to talk to you about the hand gate. और देखिए मुंह के फाटक के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हाथों के फाटक के बारे में. First point, write this down. पहला मुद्दा लिख लीजिए. Our hands are the symbol of labor. हमारे हाथ जो हैं हमारी मेहनत हमारे परिश्रम का प्रतीक है. Labor can be bad labor, fruitless labor and also fruitful labor. और देखिए ये परिश्रम या मेहनत जो करते हैं ये बुरी मेहनत हो सकती है, एकदम फलहीन हो सकता है और साथ ही साथ फलवंतपन भी हो सकता है. God gave our hands to work to do something. परमेश्वर ने हमें हाथ दिए काम करने के लिए, कुछ खास करने के लिए. So the work of your hands is a sign of labor. It can glorify God or it can dishonor God also. और देखिए हमारे हाथों के काम ये जो हैं परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं या फिर परमेश्वर को अनादर भी कर सकते हैं. Go with me to Psalm 144 verse 1. और निकालिए भजन संहिता का अध्याय 144 उसके पहले वचन में. Blessed be the Lord my rock. धन्य है प्रभु यहोवा जो मेरी चट्टान है. Watch this. गौर करें. Who trains my hands for war. जो मेरे हाथों को लड़ने के लिए तैयार करता है. Now this is not physical war. और देखिए ये शारीरिक लड़ाई नहीं है. Spiritual war. ये आत्मिक लड़ाई है. God training the human hands for war. परमेश्वर मानवीय हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है. And my fingers for battle. और मेरी उंगलियों को लड़ाई के लिए. Your hands are also a symbol of spiritual warfare. Let me bring this to the New Testament right now. और आपके हाथ जो है ये आत्मिक युद्ध का भी प्रतीक है, निशानी है. Paul wrote to Timothy. पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा. In 1 Timothy chapter 2 verse 8. पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 8वें वचन में. He said, I desire therefore that men everywhere, women everywhere, lifting up holy hands. Lifting up what? Holy hands. Okay? Without wrath and doubting. Holy hands. Hey, hands. और देखिए प्रेरित पौलुस ने ऐसा लिखते हुए कहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर, सभी लोग कहे उठाकर. You see, your hands have the ability to touch the realm of the spirit. और देखिए आपके हाथों में ये योग्यता होती है कि आत्मा के आयाम को छू सके. You see the woman with the issue of blood. आप देख सकते हैं उस महिला के बारे में जिसे लहू बहने का रोग था. She said, if I can just touch the hem of the garment of Jesus. उसने कहा, अगर मैं यीशु के वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी. When you move those hands ahead. जब उसने वो हाथ आगे बढ़ाए. It's an act of faith. You see, your hands can access the realm of the spirit, the realm of the supernatural. और ये विश्वास का कार्य था, यानी कि आप अपने हाथों को जब बढ़ाते हैं तो ये आत्मा के आयाम में, अलौकिकता के आयाम तक भी पहुंच सकते हैं. And the woman touched the hem of the garment of Jesus. और उस महिला ने यीशु के वस्त्र के आंचल को छू लिया. And the power just shot through. फिर उसके पास सामर्थ्य उसमें आ गई. You see, the Bible says in the book of Matthew, the gospel says, you shall lay hands. You're transmitting the anointing through your hands. So your hands are an avenue to access, to release the supernatural. और देखिए यीशु ने भी समाचार के पुस्तक में कहा कि तुम हाथ रखोगे, तुम हाथ रखोगे. ये जो है एक प्रकार का देखिए जरिया बन सकता है कि अभिषेक को आप किसी व्यक्ति के अंदर डाल सकते हैं, भेज सकते हैं. When Jacob laid his hands on his son, you see, there was a transfer. The hands were a gate between the supernatural, between the spiritual and the natural. Your hands. आप देखते हैं जब याकूब ने अपनी संतानों के ऊपर अपना हाथ को रखा. देखिए हाथ रखना जो है, हाथ जो है अलौकिकता और ये स्वाभाविकता के बीच में फाटक जैसा बन जाता है. Gates. Your hands are the gates. आपके हाथ एक फाटक हैं. See, we don't believe in works. और देखिए हम कार्यों में विश्वास नहीं करते. Works don't bring salvation, but we are saved to do good works. और कार्य जो है ये उद्धार लाते ही नहीं है, लेकिन हमको उद्धार मिला है अच्छे काम करने के लिए. Works don't bring salvation, but when we receive salvation, we are called to do good works. और देखिए कार्य जो होते हैं वो हमें उद्धार नहीं दिलाते, लेकिन Hence, जब हमको उद्धार मिल जाता है तो हमें ये बुलाहट दी जाती है कि हम अच्छे कामों को करें. And based on our works, और हमारे कामों के मुताबिक there will be rewards. हमें इनाम मिलेगा. You know, Jesus said, whatever you do to the least of my brethren, you did it unto me. How you do it? With your hands. और यीशु ने कहा, जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए भी तुम करते हो, कैसे आप करते हैं? अपने हाथों से. When you give that seed to God's work, जब आप परमेश्वर कामों के लिए वो बीज यानी भेंट देते हैं, you type, you send it, you do it through your hands. आप टाइप करते हैं, आप भेजते हैं, आप अपने हाथों से करते हैं ये. So your hands are a gateway. तो आपके हाथ जो है ये प्रवेश द्वार है. Somebody shout a hallelujah. तो चिल्लाए हालेलुया. You see, there was this man called Joseph. आप देखते हैं एक व्यक्ति हुआ करता जिसका नाम था यूसुफ. Young man. एक नौजवान युवक. No father, no mother.
माता पिता बिल्कुल नहीं. He lost his mother. अपनी माँ को उसने गवा दिया था. He was far away from his father. अपने पिता से कोसों दूर था. No support system, no family. और कोई परिवार नहीं था उसके पास, कोई सहारा नहीं था. And that's when God decided to bless this young man called Joseph. और यहीं पर परमेश्वर ने फैसला लिया कि इस नौजवान युवक यूसुफ को आशीष देगा. You don't need influence. You need God's grace upon you right now. आपको बाहरी प्रभाव की जरूरत नहीं, आपको तो बस परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए. You are saying, how will it happen? शायद आप ये पूछ रहे हो कैसे ये होगा. Your hands. आपके हाथ. There's a powerful scripture. और देखिए एक सामर्थ्यशाली वचन है. Genesis 39 verse 3. उत्पत्ति का 39वां अध्याय तीसरा वचन. It says, now when the master saw that the Lord was with Joseph and the Lord caused all that he did to prosper in his hand. और देखिए यहाँ पर वचन ऐसा कहता है, और जब यूसुफ के स्वामी ने देखा कि प्रभु यहोवा यूसुफ के साथ रहता है और जो काम वो करता है उसको प्रभु यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है. He says, whatever he did. और देखिए वचन ऐसा कहता है, जो कुछ भी उसने किया, whatever he put his hand to, it prospered. और जो किसी काम में भी उसने अपना हाथ लगाया वो समृद्ध बना. And not only he knew that, he says other people also knew that. The master, the guy, the boss saw that this man, whatever I give him, whatever I put under his hand, it prospers. और इस बात को सिर्फ यूसुफ ने ही जाना नहीं था, लेकिन हम देखते हैं दूसरे लोग, यहाँ तक कि यूसुफ के स्वामी ने भी इस बात को जान लिया था कि जो भी काम मैं करने के लिए इसके हाथों में सौंपता हूँ, ये समृद्ध हो जाता है. It's an anointing. ये एक प्रकार का अभिषेक. Lift your hand and say, Lord, the work of my hands will prosper. Say that. अपने हाथों पर उठाकर बोलिए, प्रभु मेरे हाथों के काम समृद्ध बनेंगे. Your boss puts you in a difficult situation. अगर आपका बॉस आपको कठिन हालात में रखता है, don't worry. डरिएगा नहीं. There's anointing. एक अभिषेक है. You put your hand there. आप अपना हाथ वहाँ रखते हैं. It changes. ये बदल जाता है. You are transferred to a very difficult place. आपको एकदम मुश्किल जगहों पर ट्रांसफर किया गया. Don't fear. डरिएगा नहीं. The anointing is on your hands. अभिषेक आपके हाथों. The anointing is upon you. अभिषेक आपके ऊपर. It will be released through your hands. ये आपके हाथों के जरिए मुक्त. You touch this, you touch that, the anointing will begin to flow. उसको छुएंगे, अभिषेक जो है उस पे जाएगा. Glory to Jesus. यीशु को महिमा. People will see, say, whatever this man doing is prospering. लोग ये देखकर कहेंगे, जो कुछ भी आदमी करता है ना समृद्ध होता है. It's an anointing, the hand gate. ये एक अभिषेक है, हाथों का फाटक. Now this is the right anointing on the hand gate. और देखिए ये हाथों के फाटक के बारे में सही अभिषेक है. The second thing I want to show you. और देखिए दूसरी चीज जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ. You know, one day I was praying over a man. और देखिए एक दिन पासवान जी किसी आदमी के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे. In one of the services. एक सभा में. The prophetic anointing was moving. और भविष्यवाणी का अभिषेक वहाँ पर कार्य कर रहा था. I just came to this man. और इस व्यक्ति के करीब पासवान जी आए. I think I called out his name. I just called him out. I'm not sure. शायद लगता है कि ज्ञान के वचन के जरिए उनके नाम को पुकारा गया. I don't know. And I called him in front, and he was standing right in front of the stage. और उन्हें आगे बुलाया गया और मंच पर बिल्कुल वे सामने खड़े थे. As I came to him, और जैसे पासवान जी उनके नजदीक आए, I saw his hands. और पासवान जी हाथों को देखे. My eyes were closed. इनकी आंखें बंद थी. So I saw on his hands like leprosy. और उनके हाथों पर कोढ़ जैसा इन्होंने देखा. You won't believe it. आप विश्वास नहीं करेंगे. I saw like my eyes were closed, church. आंखें तो इनकी बंद थी कलीसिया. But I saw like his hands fully covered with leprosy. लेकिन बंद आंखों से भी इन्होंने देखा कि उनके हाथ पूरी तरह से कोढ़ से ऐसे भरे हुए हैं. I opened my eyes. और जब पासवान जी ने अपनी आंख खोले, nothing. तो कुछ भी नहीं था. I closed my eyes and I stood near him. और अपनी आंखें बंद करके फिर उनके सामने खड़े हुए. And I saw holes like leprosy all over his hands. और फिर इन्होंने देखे कि पूरा कोढ़ का जो धब्बा जो है, दाग इनके उनके हाथों पर. And I asked him, I said, sir. और फिर पासवान जी ने उससे पूछा, For many years you are suffering with poverty, nothing remains. कई सालों से आप गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं और कुछ भी आपके पास टिकता नहीं है. Now please understand, he was a man, he was strong man. और मेहरबानी करके समझने की कोशिश करें, वो एक अच्छा हट्टा-कट्टा व्यक्ति था. He cried. वो रो उठा. And he said, Pastor Mike, he says, exactly. He says, for many years, he says, nothing remains in my hand. Everything goes away. Everything goes away. And you see, his hands were covered with leprosy in the spirit realm. This is how many people are suffering today. और देखिए वो व्यक्ति रो उठा और कहने लगा, पासवान जी बिल्कुल आपने मेरे हालात के बारे में सही, बिल्कुल सही बताया है. और कई सालों से वो गरीबी से जूझते आ रहे थे और कुछ भी उनके पास टिकता नहीं था. और पासवान जी ने देखा कि आत्मा के आयाम में कि उनके पूरे हाथों पे कोड़ का ऐसा दाग धब्बा लगा हुआ है. ऐसी चीजें थी. You see, this man was a hard-working man. अब देखते हैं ये व्यक्ति बड़ी कड़ी मेहनत करने वाला. He was not a lazy man. वो कोई आलसी आदमी नहीं. You see, there are many people. They are not lazy. They are hard-working. They are working for hours. Some of them are working for 12 hours and 14 hours. And you see, these are good people, good women, good men. But you see, they're in the spirit realm. The work of their hands are covered with some anointing, something that is not right. And today, the Lord wants to cleanse that hand gate of yours so that you can prosper in that area for the glory of the Lord. और इसी प्रकार से बहुतों के साथ होता है. देखिए वे बड़े कड़ी मेहनत करने वाले आदमी होते हैं, कड़ी मेहनत करने वाले औरतें भी होती हैं, और वे लगातार 12-12 घंटे, 14-14 घंटे वो कड़ी मेहनत करते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा के आयाम में अगर पाएंगे तो उनके हाथों पे ये
कोढ़ का जो एक प्रकार का ये धब्बा रहता है और ये सही नहीं है, ये गलत प्रकार का अभिषेक उनके हाथों पे रहता है जो उन्हें एकदम गरीबी की ओर अग्रसर करती है। और आज इससे आपको शुद्ध होने की जरूरत है और प्रभु ऐसा करने वाला है। लिफ्ट योर हैंड्स एंड से थैंक यू जीसस। चलिए अपने हाथों पर उठाकर कहेंगे धन्यवाद। से लॉर्ड आई सरेंडर माय हैंड्स टू यू। बोलिए प्रभु मैं अपने हाथों को तेरे हवाले करता हूं। से लॉर्ड प्लीज यूज माय हैंड्स। बोलिए प्रभु मेहरबानी करके मेरे हाथों का इस्तेमाल कर टू टच पीपल्स लाइव्स। लोगों की जिंदगी को छूने के लिए। टू ब्लेस पीपल। लोगों को आशीष देने के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में। गॉड विल डू इट। परमेश्वर करेगा। दैट अनॉइंटिंग इज कमिंग अपॉन यू राइट नाउ। वो अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के समर्थ। मेनी ऑफ यू विल आल्सो बी हील्ड ऑफ सिकनेसेस ऑन योर हैंड्स। और आप में से बहुत सारे लोग इस समय आपके हाथों में की बीमारियों से भी आपको चंगाई मिल जाएगी। यस आई एम टेलिंग यू। जी हां। यू सी द अनॉइंटिंग व्हिचएवर पार्ट इट टचेस योर बॉडी द लॉर्ड विल ब्रिंग हीलिंग रेस्टोरेशन इन योर हैंड्स इन जीसस नेम। और देखिए प्रभु का अभिषेक आपके शरीर के किसी भी हिस्से को जब छूता है तो देखिए प्रभु yes. आपके पास चंगाई और स्वास्थ्य को लाएगा यीशु के नाम में। गो टू साम चैप्टर 1 और निकालिए भजन संहिता का अध्याय 1 1 2 एंड 3। भजन संहिता का अध्याय 1 उसका पहला दूसरा और तीसरा वचन। ब्लेस्ड इज द मैन हु डस नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली। आशीषित है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। Nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, who yields its fruits in his season, and whose leaf shall not wither. देखिए वचन ऐसा कहता है, आशीषित है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, मगर वह तो प्रभु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। द ब्लेस्ड मैन। आप देखते हैं आशीषित व्यक्ति। नाउ द बाइबल सेज व्हाटएवर ही डस। बाइबल कहती जो कुछ भी वो करता है ही प्रॉस्पर्स। वो समृद्ध होता है। हालेलुया। हालेलुया। दैट्स एन अनॉइंटिंग माय ब्रदर। ये एक प्रकार का अभिषेक है मेरे भाई। दैट्स एन अनॉइंटिंग। ये एक अभिषेक है मेरे भाई। व्हाटएवर ही डस। जो कुछ भी वो करता है। ही ओपन्स अ वड़ा पाव स्टॉल फायर। वो वड़ा पाव का ठेला लगाता है वहां पर भी समृद्धि आती है। बाजी स्टॉल फायर। बाजी का स्टॉल लगाता है समृद्धि आ जाती है। ही ब्लेसेस समथिंग ही समथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग इन हिज लाइफ। और देखिए इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ समृद्धि होती चली जाती है। व्हाटएवर ही डस। जो कुछ भी वो करता है। दिस इज द काइंड ऑफ एनॉइंटिंग दैट वी नीड इन दीस टाइम्स। और इस प्रकार के अभिषेक की हमें इस दौर में सख्त जरूरत है। व्हाटएवर ही डस। जो कुछ भी वो करता है। दिस इज द एनॉइंटिंग द हैंड गेट्स। आप देखते हैं ये एक अभिषेक है हाथों का फाटक। योर हैंड्स नीड टू बी सैंक्टिफाइड। आपके हाथों को शुद्ध होना जरूरी है। पॉइंटिंग ऑफ द फिंगर। दूसरी की ओर उंगली दिखाना उंगली करना। It needs to stop. और ये बंद करने की जरूरत है। Sanctify. No, I'm not going to point the finger. शुद्ध किया जाना कि मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा। No. नहीं। The hands are sanctified. हाथ शुद्ध किए गए हैं। First thing, I will stop pointing the fingers at this one and that one. आज आपको पहली चीज़ ये करनी है कि प्रभु अब से मैं इस पर उस पर उंगली उठाना बंद करूंगा। You don't have to literally point the finger, but you can point your finger through your words also. और देखिए जरूरी नहीं कि आप अपनी उंगली उठाते ही किसी को कहते, आप अपने शब्दों के जरिए भी किसी पर उंगली उठा सकते। You wrote some bad comment on social media. You wrote something against some men of God. Why men of God? You wrote something against somebody you don't like. Something you wrote and something you posted. No. Stop that. Your hands are being sanctified. और देखिए किसी के बारे में किसी परमेश्वर के जन के बारे में आप कुछ बुरा लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने हाथों को शुद्ध करवाने की जरूरत है। Stop doing the things which are not right through your hands in eyes of God. और देखिए वे चीजें जो आपके हाथों के लिए सही नहीं है और जो परमेश्वर की नजर में गलत है करना बंद करें। You may not like this, but this will yield fruit in your life. और देखिए भले आपको ये पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप इन चीजों को रोक देंगे तो आपकी जिंदगी में फलवंत फल उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। The second thing you need to do is. और दूसरी चीज जो आपको करने की जरूरत है। What you believe. देखिए जो कुछ भी आप विश्वास करते हैं। You will start acting out those things. उन चीजों पर आप कार्य करने लगेंगे। That it becomes your reality. ये आपकी असलियत का रूप ले लेगा। So now you need to feed your mind, feed your spirit with the word of God. तो अब जरूरी पड़ता है कि आप अपने मन को अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन का आहार देते रहें। So you're not thinking and doing like what the world says, you're doing what the word says, and every action of yours gets in line with the word of God and it starts bringing a blessing. तो अब क्या होता है कि आप दुनिया के जैसा सोचने नहीं लग जाते हैं, आप वचन के जैसा सोचने लग जाते हैं और वचन जो करता है वही आप करने लगते हैं। इसके जरिए जो है आप आशीषें देना शुरू कर देते हैं। मत्ती का 5 अध्याय 16 वचन। Let your light shine, Jesus said, before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. देखिए यीशु ने इस प्रकार कहा, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला जो है मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। The
work that you do, देखिए वो काम जो आप करते हैं, yeah, it will not last only during your lifetime. It will go beyond your lifetime. और ये सिर्फ आपके जीवन काल तक ही नहीं रहने वाला है, आपके जीवन काल के परे भी जाएगा. The work that you do, वो काम जो आप करते हैं, it will outlast you. It will go beyond. Even after you are gone, even after you are gone, that work will still be there. The work of your hands, it will bring glory to the Father. Receive this now. और जो काम आप करते हैं, देखिए आपके जीवन काल के परे भी जाएंगे. आप मरकर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो काम बने रहेंगे और वो आगे चलते जाएंगे और ये परमेश्वर को महिमा लेकर आएंगे. दूसरा मुद्दा, the work of your hands, आपके हाथों के काम, is a reflection of your relationship to God. और ये परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है, उसका परछाई या प्रतिबिंब है. The way you work, जिस तरह से आप काम करते हैं, is your reflection of your relationship with God. परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है, उसकी प्रतिछाया है. A guy, a man or a woman who's close to God, the work of that person, you know, will be excellent. Hey. और वह व्यक्ति, वह मर्द, वह औरत जो परमेश्वर के करीब है, उनका कार्य जो होता है, बड़ा गुणी तौर पे और बड़ा उत्तम तौर पे रहेगा. That work will be in order. That work will be powerful. It is amazing. और वे कार्य जो हैं, बहुत ही सामर्थ्यशाली और बहुत ही शक्तिशाली रहेंगे, अद्भुत रहेगा. That is why the enemy tries to pollute the work of your hands. और इसी वजह से देखिए, शत्रु कोशिश करता है कि आपके हाथों के कामों को गंदा कर दे. When you bring that offering to God, जब आप उस भेंट को प्रभु के पास लाते, you are bringing it with holy hands to God. और आप उन भेंटों को जो है प्रभु के पास लाते अपने पवित्र हाथों के साथ, sanctified hands, और शुद्ध किए गए हाथों से. These lines don't change your future. You know, the anointing changes your future. Hallelujah. आपके हाथों में ये रेखाएं जो है आपके भविष्य को बदलती नहीं है, अभिषेक ही भविष्य को बदलता है. Don't worry about the lines. हाथों की रेखाओं के बारे में फिक्र ना करें. Trusted the lines, forget about the lines. अगर आपने अभी हाथों की रेखाओं पर भरोसा रखा था तो भूल जाए. Go to Psalm 90. और भजन संहिता अध्याय 90. See what Moses, the man of God, wrote. और देखिए परमेश्वर के जन मूसा ने क्या लिखा. Let the beauty of the Lord our God be upon us. Let the beauty of the Lord our God be upon us. How? Yes. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है. So pray. हमारे परमेश्वर यहोवा की खूबसूरती हम पर प्रकट हो. कैसे? Make this your prayer. इसे अपनी प्रार्थना बनाएं. And establish the work of our hands for us. Hey. और हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर. You started a business. आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं. Make this prayer. इस प्रार्थना को करें. You started a small job. अगर आप कोई छोटी सी नौकरी शुरू करते हैं. Make this prayer. And then again Moses, the man of God, say, परमेश्वर जन मूसा फिर से कहते, yes, हाँ, establish the work of our hands, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर. And guess what? और सोचिए जरा, the work of your hands will be established. आपके हाथों के काम दृढ़ किए जाएंगे. The hand gate. हाथों का फाटक. It will bless people. ये लोगों को आशीष देगी. It will honor God. ये परमेश्वर को महिमा लाएगी. It will bless you. ये आपको आशीष पहुंचाएगी. It will outlast you. और ये आपको आगे भी लेके जाएगी. The hand gate. हाथों का फाटक. You see how powerful it is? आप देख सकते कितना सामर्थ्य.